और देखिए हजारीबाग में सीबीआई का एक्शन देखने को मिला और इससे स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है। नीट परीक्षा में कोऑर्डिनेटर थे एहसानुल हक, एहसान को ओएसएस स्कूल भी लेकर गई सीबीआई की टीम। जले हुए प्रश्न पत्र पर ओएसएस स्कूल का कोड मिला था, जिन तमाम सबूतों को देखते हुए लगातार सीबीआई जांच कर रही है और इस मामले में अब एहसानुल हक जो ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में अभी तक क्या निकलकर सामने आया है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशांक जानकारी दीजिए। देखिए पिछले चार घंटे से एहसानुल हक से ओएसएस स्कूल में सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, कुल चार अधिकारी हैं। सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि जो आपके यहाँ का क्वेश्चन पेपर था वो पहले ही बिहार कैसे पहुँच गया, क्या परीक्षा माफियाओं से आपके रिलेशन हैं, अगर हैं तो किस तरह आप लोगों ने उन लोग से संपर्क किया, क्या पैसों का लेन देन हुआ, आप यहाँ पे सिटी कोऑर्डिनेटर थे, आपके अंडर में 5 सेंटर यहाँ पे थे, क्या अन्य सेंटरों पे भी इस तरह का खेल रचा गया, इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और चार घंटे से पूछताछ हो रही है। दिल्ली से जो जानकारी मिल रही है 8 सदस्यीय टीम यहाँ पर आई है जिसमें से 4 अधिकारी अंदर हैं। और देखिए यहाँ SBI के बैंक में जो है क्वेश्चन पेपर रखा गया था, तो एक शक ये भी है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर बैंक से निकलने के बाद लीक हुआ। तो अभी 4 अधिकारी जो हैं बैंक पहुँचे हैं और वहाँ पे जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हुई है और सारी जानकारी ली गई है। देखिए स्कूल के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ओएसएस स्कूल में अंदर अभी देखिए आपको 2 गाड़ी भी नज़र आ रही होगी, इसी से अधिकारी पहुंचे हैं और 4 घंटे से पूछताछ हो रही है। प्रिंसिपल का जो कमरा है ठीक सामने वो है ग्राउंड फ्लोर पर, उसी में जो है पूछताछ हो रही है। और फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 18 है, उसी में एक बच्ची थी जो बैठ के परीक्षा दी थी, तो उसमें भी जो है सीबीआई की टीम अभी प्रिंसिपल साहब को ले गई थी। आपको बता दें जो पटना में पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उस पर सीरियल कोड लिखा हुआ था, जहाँ से पता चला है कि वो इसी ओएसएस स्कूल का था और उसी बुकलेट नंबर पर एक बच्ची जो है वो परीक्षा दी है। तो जाँच तेज सीबीआई ने कर दी है, हो सकता है कुछ और बड़े खुलासे जो हैं इस मामले में देखने को मिले। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रिंसिपल साहब हैं सिटी कोऑर्डिनेटर थे और इनके अंडर में 5 सेंटर्स थे, तो क्या कुछ बड़ी और गड़बड़ी हुई है, सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है इस मामले में, पूछताछ जारी अच्छा, है। अच्छा जानकारी ये भी मिल रही है शशांक कि एसबीआई की ब्रांच भी पहुंची है सीबीआई की टीम, क्योंकि इसी ब्रांच में नीट के प्रश्न पत्र रखे गए थे, वहां से कोई अपडेट? दो सवाल की क्या सेंटर से पेपर लीक हुआ या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लिखा हुआ, इसी पर जो है सीबीआई की टीम काम करी। दरअसल 3 मई को रांची से ब्लू डार्ट कुरियर से जो है क्वेश्चन पेपर हजारीबाग लाए गए थे और एसबीआई बैंक ई रिक्शा से ले जाया गया था ब्लू डार्ट कुरियर ऑफिस से, तो बैंक शाखा में जहां पे क्वेश्चन पेपर रखे गए तो वहां पे भी सीबीआई के कुल 4 अधिकारी पहुंचे हैं और वहां के जो स्टाफ हैं मैनेजर हैं उनसे जानकारी ली गई है, सवाल पूछे गए हैं और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए हैं। जी ठीक है, तो शशांक जिस तरह से बता रहे हैं कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है और आखिर कौन से सवालों को ढूंढने के लिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये जांच की जो आंच है सिर्फ बिहार या झारखंड नहीं बल्कि और भी राज्यों तक पहुंच रही है, जिसमें एक महाराष्ट्र भी है। और इस मामले में ATS भी पहले क्योंकि पूछताछ कर चुकी है, तो सूरज अभी ताजा अपडेट वहां से क्या है, वहां इस पूरे मामले पर जांच अब किस दिशा में आगे जाती दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो 2 महत्वपूर्ण आरोपी हैं, एक तो इरन्ना और दूसरा है गंगाधर, दोनों की तलाश फिलहाल लातूर पुलिस कर रही है और इसी सिलसिले में एक स्पेशल टीम बनाई गई लातूर पुलिस की जो हैदराबाद गई, हैदराबाद से बाय फ्लाइट उत्तराखंड गई है, उत्तराखंड में वो गंगाधर से जुड़े सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, गंगाधर की प्रेजेंस वहाँ हो सकती है, इस मामले की जाँच वहाँ से की जा रही है। साथ ही जो इरन्ना नाम का एक और अक्यूज है इस मामले में, शनिवार को से ही उसे पता चला ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है, वो अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी कुल 5 लोगों के साथ घर में ताला लगाकर कहीं गायब हो गया है। तो पुलिस उसके घर भी गई थी लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों से भी जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कभी ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि ये आरोपी इस तरह की चीज़ों में संलिप्त है, क्योंकि जिस कॉलोनी में इरन्ना रहता है उस कॉलोनी में भी कई बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे थे, इसी साल दे रहे थे, लेकिन उन्हें भी इस बात की भनक नहीं थी। और इससे ये बात साफ होती है कि जो आरोपी हैं वो अपने करीबी लोगों से दूर थे, मतलब करीबियों को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि वो नीट परीक्षा में मदद करते हैं और इसी वजह से वो जो दूर के लोग हैं उनसे संपर्क करते थे और छुपे हुई जितनी गुप्तता रख सकते हैं उतनी गुप्तता इन्होंने रखी थी। जैसे कि जलील पठान जब गिरफ्तार हुआ तो जलील पठान गिरफ्तारी से पहले प्लान को अंजाम दिया गया वो तो समझ ही आ रहा है। एक और बड़ी खबर है नीट पेपर लीक पर आक्रोश नहीं थम रहा है, एक तरफ तो जांच
जा रही है, दूसरी तरफ प्रदर्शन भी इसे लेकर जगह जगह हो रहा है। जम्मू में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा है, पेपर और काउंसलिंग रद्द करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें अभिषेक देखिए, अब छात्रों का, उनके अभिभावकों का, उनसे जुड़े लोगों का जो एक इंतजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि आप काउंसलिंग भी रद्द कीजिए, पेपर भी रद्द कीजिए, लेकिन इसे लेकर एक्शन कब होगा, इंतजार अभी भी। अभिषेक आपसे है मेरा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल शीरिन, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि अभी भी इंतजार हो रहा है कि फाइनल एक्शन कब होगा, और हमारी जानकारी ये है कि शिक्षा मंत्रालय इंतजार कर रहा है कि सीबीआई को जो इविडेंसेज हैं वो कितने कंक्लूसिव इविडेंस मिलते हैं, और क्या ये तय हो जाता है, क्या ये बात क्लियर हो जाती है कि पेपर का लीक वाकई ऐसा हुआ है जिससे कि बड़े पैमाने पर छात्रों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि समय से पहले कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए कि जिन छात्रों ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है उन पर ही मुसीबत आन पड़े। इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि और भी कंक्लूसिव एविडेंस हाथ आ जाएं, और चूंकि ये इंटर स्टेट का मामला है, गुजरात से लेकर के बिहार और महाराष्ट्र और राजस्थान, इन चार राज्यों तक बात जा रही है शिरीन, इसलिए और इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय से उम्मीद की जा रही है कि आप कम से कम वो इस मामले में बड़ा और कड़ा फैसला ले। बहरहाल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।